नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टार यात्रा में विशाल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के ऊपर जिनके शेयर होल्डर्स की अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें तो वो लोग यहाँ पे परेशान हम लोगों को देखने को मिल जा रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पिछले अगर एक मंथ की अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें तो उस कंपनी में हम लोगों को गिरावट ही देखने को मिल रही थी। एंड पिछले एक मंथ की अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें तो करीब 20% के लगभग यहाँ पे अगर 52-week हाई से देखें तो हम लोगों को गिरावट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रही थी। तो ऐसे में ये जो सवाल होते हैं कि इस कंपनी में गिरावट क्यों हो रही है, क्या वजह है, क्या हम लोग यहाँ पे निकल जाए, तो इस तरह के जो सवाल आप लोगों के मन में आता है वो लाजमी भी होता है। लेकिन यहाँ पे मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि अगर कंपनी यहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रांग हो एंड वहीं पे कंपनी में अगर कोई भी ऐसी चीज़ें हम लोगों को सुनने या देखने को नहीं मिल रही है जिस वजह से आपको उस कंपनी में लगातार गिरावट हो रही है, उसके पीछे का रीज़न कोई रीज़न यहाँ पे हम लोगों को देखने को नहीं मिल रही है, तो इस तरह की कंपनी में आप लोगों को यहाँ पे बस यही करना रहता है। अगर आप लोगों के पास पैसे हो तो उस कंपनी में आप लोग बाय ऑन डिप्स लगा करके बाय कर सकते हैं। एंड वहीं पर अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो उस कंपनी को यहाँ पर होल्ड करना चाहिए एंड और बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी जो करना है वो सब मार्केट आपको वहाँ पे करते हुए देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक अच्छा लेसन आप लोगों को भी सीखने को मिल जाएगा जैसा कि मैं आपको हमेशा सिखाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। अभी हम यहाँ पर सीधा अपने कंपनी के चार्ट के ऊपर आ गए हैं एंड 26 अगस्त का इस कंपनी का परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि ये जो रैली आपको यहाँ से यहाँ तक देखने को मिल रही है उसकी अगर हम लोग बातें करें तो 6% से ज़्यादा की रैली यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रही है जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। एंड वहीं पर अगर पिछले एक महीने की अगर यहाँ पर हम लोग बातें करें दोस्तों तो यहाँ पर आप देखिए कि इस कंपनी का में अभी हम लोगों को मतलब 15-16% की गिरावट पिछले एक महीने में हम लोगों को देखने को मिल जा रही थी एंड यहाँ पर आज आपने देखा कि 6% की हम लोग को तेजी देखने को मिली। मतलब अभी भी देख सकते हैं कि 10% की गिरावट में अभी बहुत सारे लोग जो कि टॉप लेवल पे इस कंपनी को यहाँ पे बाय किए होंगे वो लोग इस कंपनी में अभी भी फंसते हुए देखने को मिल जा रहे हैं। एंड उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो खास करके मैं बना रहा हूँ जिससे कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस रहे। एंड कॉन्फिडेंस कैसे रहेगा उसके लिए हम पहले कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स देखेंगे जिसमें सबसे पहले हम लोग कंपनी का अभी होने वाले रेवेन्यू पे को देखते हैं, उसी के साथ साथ प्रॉफिट को देखते हैं, कंपनी के बिजनेस से होने वाले रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को यहाँ पे हम लोग देखते हैं जिससे कि हमको ये मालूम चल जाता है कि कंपनी आपको ग्रोइंग मोड में देखने को मिल रही है या फिर नहीं। तो इसलिए आप यहाँ पे देखिए कि 17 से 21 तक का जो डाटा हम लोगों को देखने को मिल रहा है उसमें जो रेवेन्यू अब काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिल जा रहा है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। देन वहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बातें करें तो नेट प्रॉफिट भी आप देखिए 17 से 21 तक का जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार यहाँ पे हम लोगों को इस कंपनी का ग्रोइंग ही मोड में ही देखने को मिल जा रहा है। मतलब इसको देखने के बाद तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है उसका जो बिजनेस है वो यहाँ पे हम लोगों को बढ़ते हुए ही देखने को मिल जा रहा है जिससे कि इसका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है एंड वहीं पर सबसे मेन प्रॉफिट भी यहाँ पे हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिल जा रहा है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट डाटा जो कि किसी भी कंपनी का होता है वो होता है उसका रेवेन्यू एंड प्रॉफिट जो कि आपको यहाँ पे बताते हैं कि कंपनी का फ्यूचर कैसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कंपनी का फ्यूचर हम लोगों को ब्राइट ही यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो अभी हम यहाँ पर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर आ गए जिसमें आप देख सकते हैं कि जो प्रमोटर्स है वो 35% का हिस्सेदारी इस कंपनी में रख रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर की बातें करें वो 20% के आसपास हिस्सेदारी रख रही है। डीआईएस की बातें करें तो वो भी 9.5% के आसपास हिस्सेदारी रख रही है। एंड पब्लिक की बात करें तो आप देखिए कि पब्लिक जो है वो सबसे ज़्यादा इस कंपनी में हिस्सेदारी रख रही है। प्रमोटर्स से भी ज़्यादा हिस्सेदारी पब्लिक की ही इस कंपनी में यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। मतलब पब्लिक को भी इस कंपनी में पूरा पूरा भरोसा हम लोग कह सकते हैं कि इस डाटा को देखने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि उनको भी ऐसा यहाँ पे लगता है। देन वहीं पे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग बैलेंस शीट पर आ गए हैं। बैलेंस शीट में भी आप देख सकते हैं कि जो रिजर्व इस कंपनी का लगातार हम लोगों को बढ़ते हुए ही देखने को मिल जा रहा है जो कि वाकई में ही बहुत ही अच्छी बात है। देन वहीं पे लॉन्ग टर्म कर्जे की बातें करें तो देखिए कंपनी पे कर्जा यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है, लॉन्ग टर्म में भी कर्जा देखने को मिल रहा है। एंड वहीं पर आप देखिए शॉर्ट टर्म में भी हम लोगों को इस कंपनी का कर्जा देखने को मिल रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर बातें करें तो पिछले साल से थोड़ा सा बढ़ते हुए, लेकिन 2 साल पहले की अगर बातें करें तो बहुत ज़्यादा घटते हुए हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है। मतलब यहाँ पे एक चीज और आप लोगों को सीखने को
बता दें कि अगर किसी भी कंपनी में कर्जा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा शॉर्ट टर्म में एंड लॉन्ग टर्म दोनों में आपको कर्जा देखने को मिला, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कंपनी आप लोगों को ग्रोइंग मोड में देखने को मिल रही है, कंपनी का बिजनेस अच्छा खासा यहाँ पे चलते हुए देखने को मिल जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये लोग जो कर्जा है, जो बोरिंग है, उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड इस वजह से आप लोग इस कंपनी में विश्वास रख सकते हैं एंड यहाँ पे कंपनी के शेयर्स को भी खरीद सकते हैं। देन वहीं पे अगर हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस भी देखें तो आप देखेंगे कि 27 फिर 97 फिर 40, तो कैश भी हम लोगों को यहाँ पे ठीक ठाक ही देखने को मिल जा रही है। सो कंपनी के बैलेंस शीट हम कह सकते हैं कि हमको एक ठीक ठाक बैलेंस शीट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रही है। सो यहाँ पर जितने भी डाटास हम लोगों ने देखे हैं आप देख सकते हैं वो कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड मैंने पिछली पहले भी कई वीडियोस बनाए हैं एंड उसमें और भी डीपली मैंने स्टडी करके आप लोगों को बताया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने केवल इस कंपनी के डाटास को देखा जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि कंपनी यहाँ पे काफ़ी शानदार यहाँ पे अपना बिजनेस कर रही है। एंड दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के लिए एक चीज़ और मैं बता दूँ सीखने के लिए आप लोगों को अच्छा होगा कि ये कंपनी करती क्या है, अगर आप लोगों को यहाँ पे मालूम हो तो ज़रूर हमको यहाँ पे इनका बिजनेस क्या है हम लोगों को कमेंट करके बताएं, ताकि हम भी देखें कि आप लोगों को इस कंपनी के बारे में कितना यहाँ पे नॉलेज देखने को मिल जा रहा है। देखिए इससे रिलेटेड मैंने कई वीडियो बनाए हैं एंड उसमें बिजनेस के बारे में पूरा इनके वेबसाइट पे जा करके हमने आप लोगों को यहाँ पे बताया है। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने यहाँ पे वीडियो बताया था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि केवल नाम देख के निकल जाते हैं, तो वो लोग की बातें अलग है। अगर आप यहाँ पे कुछ सीखने के लिए आए हैं तो जरूर हमको बताइएगा कि ये कंपनी का बिजनेस हम लोगों को क्या देखने को मिल जा रहा है। सो दोस्तों यही वो कंपनी है जिसमें अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न्स देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आज ही आपने एक ही दिन में इसका देखा कि कितनी अच्छी रैली यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिली है। एंड ये कंपनी अगर आपके पास अभी भी हो एंड आपका जो पोर्टफोलियो हो वो माइनस में हो तो इस कंपनी को यहाँ पे होल्ड करके चलिएगा, माइनस में बेचने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये कंपनी अच्छा खासा रिटर्न्स दे चुकी है दोस्तों। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे हम आप लोगों को बता दें कि यह कंपनी ने स्प्लिट भी दिया था 1:5 का। जी हाँ, इस कंपनी का अगर शेयर प्राइस की बातें करो जो अभी आपको 4056 के पास देखने को मिल रहा है, एक समय इसका जो शेयर प्राइस था वो 20,000 के भी ऊपर हम लोगों को देखने को मिल चुका है। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये स्प्लिट नहीं लाती 1:5 का तो इनका शेयर आपको कहाँ से कहाँ देखने को मिल सकता था। तो स्प्लिट लाने के बाद इस कंपनी आपको देखिए 4056 पे देखने को मिल जा रहा है। ओवरऑल इस वीडियो में मैं जो बताना चाहता, जो मैं जो सिखाना चाहता था, वो सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।